हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट पाठा में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा एनसीईआरटी का 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट यहाँ पर आपको ये है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इज द ब्रेथ ऑफ ब्रेथ वी नीड द फाइंड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ जो है हमें फाइंड आउट करनी है, तो किसकी? रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आपको सामने है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन को यहाँ पर देखेंगे कि लंबाई जो है, लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ की क्या है? देखिए ब्रेथ जो है चौड़ाई, लेंथ जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ये हमें कंडीशन ध्यान रखनी है। तो हम करेंगे लेट ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एक्स। क्लियर? तो लेंथ क्या होगी भाई? तो लेंथ क्या होगी आपके पास? लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का, रेक्टेंगुलर प्लॉट देखिए 2x यानी ट्वाइस और ये एक अधिक, ये तो हो गया 2x प्लस 1। क्लियर? तो हमें एरिया दिया हुआ है, गिवन है आपके पास, गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट ठीक है, क्या है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सभी मीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मीटर में है। तो यहां पर हमें पता है क्या? वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो एरिया हमारे पास है 528 इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पर 2x प्लस 1, लेंथ लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, या ब्रेथ देख लें, ब्रेथ ये है और लेंथ ये है, सॉरी हाँ। तो क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा? 528 इज इक्वल टू सॉरी ये वाली वैल्यू वन साइड, इस साइड से इस साइड लेना होगा। पहले मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ एक बार और। ठीक है, अब करना ये है कि इस वाली को सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब सिंगल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 528 इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू आपको मिली, ये मिला आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 सॉरी 1 की जगह पर यहां पर आपका x आएगा और यहां पर भी x आएगा, तो यहां पर भी आपका x हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जब मैं इसके अंदर करूंगा तो x आने वाला है, और यहाँ पर भी x हो जाएगा और माइनस का 528 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके सामने मिलेगी। क्लियर? जब ये इक्वेशन आपको मिलेगी तो हमें इस इक्वेशन में करना ये है, देखिए ऐसी इक्वेशन जब आपके सामने मिलेगी तो हमें एक डेमो याद रखना है। देखिए क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें क्या याद रखना है कि जो सी है उसका सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करिए ए के साथ, मल्टीप्लाई करिए ए के साथ, तो क्या आने वाला है? ए सी आएगा। तो जो ए सी आएगा उसके फैक्टर करिए इस साइन के साथ कि ये कंडीशन आ जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नंबर आ रहा है ए सी, ए सी नंबर आ रहा है और ए सी नंबर को जोड़ने पर हमें बी एक्स मिलना चाहिए या बी मिलना चाहिए, सॉरी बी मिलना चाहिए। ए सी के ऐसे फैक्टर करिए कि उन दो नंबर का प्रोडक्ट करें तो ए सी आए, और जोड़ें यानी प्लस करें तो क्या आए? बी आए। हमें ऐसे फैक्टर करने, जैसे अभी यहां पर मैं आपको समझा देता हूं इस चीज को, कि मान लीजिए कि मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूं तो ये आ गया
ये वैल्यू आ गई 1056 आ जाएगी, क्योंकि 5 टू 8 का मल्टीप्लाई जब आप 2 के साथ करेंगे तो 1056 वैल्यू आएगी। 1056 की वैल्यू को आपको करना क्या है कि माइनस करने पर 1 आए, इसके ऐसे फैक्टर कर देने हैं, माइनस करने पर 1 आए। तो जो मैंने इसके फैक्टर किए थे तो आपको बता दूंगा 33 और 32 आ रहे थे, ये 33 और 32 आ रहे थे, मैंने इसके फैक्टर ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर आप कहें तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, देखिए 1056 तो यहाँ पर 2 टाइम गया, 528 हो गया, यहाँ पर 2 टाइम अगेन जाएगा तो आपका आएगा 264 आएगा, अब 2 से फिर देंगे तो 132 आएगा यहाँ पर, फिर अगेन 2 से देंगे तो आपका 66 आ जाएगा, और अगेन 2 से देंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर आएगा 33, एंड 3 से देंगे तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो आने वाला है वो होगा 11 एंड 11, तो ये फिनिश है। तो ये वैल्यू आपके सामने है, देखिए 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32 32 हो गया, 32 तो ये वाली वैल्यू आ गई, 32 तो ये वाली वैल्यू आ गई, और 11 का 3 के साथ करेंगे तो 33 आए, तो ये फैक्टर यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर करना ये है कि इन फैक्टर्स को यहाँ पर रख देना है, तो हमें करना ये है, देखें एक्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट में 33 माइनस 32 और ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्लियर, 2x स्क्वेयर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने क्या किया, 2x कॉमन ले लिया, जब मैंने 2x कॉमन लिया तो देखिए 2x इससे कॉमन आएगा भाई, ना कि 33 से कॉमन आएगा, तो 2x जब मैंने कॉमन लूंगा तो ये आएगा x माइनस 16, क्या आएगा x माइनस 16, और मैंने क्या किया यहां से मैंने कॉमन लिया 33, जब मैंने 33 कॉमन लिया तो यहां बचेगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 16 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमें इस वाली वैल्यू को भूल जाना, ये राइट में वैल्यू आएगी, हमें प्रॉपर वैल्यू को रख लेना है यहाँ पर 0 के इक्वल, तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 16, ये प्रॉपर वैल्यू मिल चुकी है। अब x इज इक्वल टू 16 है तो हमें यहाँ क्या कर देना है कि जो वैल्यू हमने लेट की थी यानी मानी थी उनमें रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू 16 यानी कि हमें जो ब्रेथ मिला वो 16 होगा, और लेंथ की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 × 16 + 1 यानी कि 33, ये रहेगी आपकी वैल्यू 16 × 32 और प्लस 1, तो ये रहेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी सेकंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि देखिए आपके पास कोई दो क्रमागत क्यूटिप, देखिए कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो लेट टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं भाई, कोई पता बता सकता है, देखिए x और x प्लस 1 होते हैं, ये टू इंटीजर हमने मान लिए कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो वो ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है 306 है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इंटीजर क्या हो जाएगा 306। तो रियल वैल्यू हमें देखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम, तो प्रोडक्ट हमें इन दोनों का प्रोडक्ट का x और x प्लस 1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 306। ठीक है, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब हमें सेम उसी तरीके से फैक्टर करना है जो हम प्रीवियस कर रहे थे, देखिए यहाँ पर 306 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर आपको 1 वैल्यू फाइंड आउट हो, तो मैं यहाँ 306 के फैक्टर कर लेता हूँ, 306 के जब फैक्टर करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 यानी से 1 और 1 का फिर 5 और यहाँ पर 3, ये आए। ठीक है, अब यहाँ पर देंगे कितने से दें कि यहाँ पर आपका 3 से, देखिए 3 से देंगे तो 3 5 15 3 1 3। ठीक है, अब यहाँ से फिर 3 से देंगे तो 3 1 3 और 3 7 21 और यहाँ 7 से देंगे तो आपका आ गया 1। क्लियर, ये वाली वैल्यू मिली। अब यहाँ पर देखें 3 3 जा
9 और 9 टू जा 18, तो यहां पर 18 इंटू 17 ये आपकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इनको माइनस करने पर आपका 1 आ, यहां पर इसको रख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, क्लियर। यहां से मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, और यहां से भी मुझे क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो यहां से जब मैंने कॉमन लिया, x और x प्लस 18 मुझे यहां पर मिल चुका है, माइनस 17 मैंने यहां से कॉमन लिया तो यहां पर x मिलेगा, प्लस यहां से जैसे मैं 17 कॉमन लूंगा तो मुझे यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 18, यानी 18 मिलने वाली है 0। तो अब ये लेके देख लीजिए आप, देखिए 17 जैसे कॉमन लिया तो यहां पर x बचेगा, 17 यहां से कॉमन लेंगे तो 117 यहां से गया तो यहां पर आपको मिलेगा, डिवाइड देके देख लीजिएगा 18 ही आने वाला है। तो x माइनस 17 एक यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, और दूसरी वैल्यू जो मिलेगी वो x प्लस 18 हमें यहाँ वैल्यू मिलने वाली है। अभी ध्यान दे देंगे, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि जीरो के इक्वल रखेंगे, तो अभी हमें नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x इक्वल टू 17। तो ये ध्यान दीजिए कि जब x इक्वल टू 17 हमारे पास है तो हमने जो नंबर माने थे वो था x और x प्लस 1, तो जब मैं x प्लस 1 करूंगा तो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18, तो टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे 17 और 18, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको प्रीवियस सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर टीम वॉचिंग।